नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीत इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर में। दोस्तों आज हम दोस्तों एक घर में जो आप यूज करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, जो कॉमन चीज है दोस्तों, उसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये है, देखिए ये चाम्स कंपनी का एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों। इसे हम चेक करेंगे इसमें क्या मिस्टेक है और इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना दोस्तों, और कमेंट भी जरूर करना दोस्तों। आप किस इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, प्रोडक्ट पर और या कोई कोई चीज पर, इलेक्ट्रिक और या प्लम्बिंग पर दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसे हम रिपेयर करेंगे, और ये चाम्स कंपनी का एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी आती है दोस्तों, इसके प्रोडक्ट भी अच्छे आते हैं, और इसे हम आज चेक करेंगे। ये एक्सटेंशन बहुत काम की चीज है सर दोस्तों। घर में कहीं आपको पंखा चलाना है, टेबल फैन चलाना है, या फिर इस्त्री चलानी है, या कोई अभी आपके ये आ रहे हैं फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे गणपति है, नवरात्र है, इसमें आपको लाइटिंग वगैरह लगानी है, तो बहुत काम आता है दोस्तों ये। इसे हम आज चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इस वायर को थोड़ा सा खोल लेंगे दोस्तों, उसके बाद सीरीज बोर्ड में इसको लगा कर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये नहीं बता रही है लाइटिंग इसमें, इसमें हमने सीरीज बोर्ड में लगा कर चेक की। अब इसकी वायर हम दोस्तों चेक करेंगे, और उसके बाद इसे खोल कर भी देखेंगे, चेक करेंगे दोस्तों। इसमें देखिए चार स्क्रू है, इसे खोलेंगे तब ये बॉक्स खुल जाएगा, दोनों जॉइंट होता है, ऐसे कवर पीछे से खुल जाएगा। पहले इसको सीरीज में चेक कर लेते हैं इसकी वायर। देखिए दोस्तों सीरीज बोर्ड की मदद से इसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक वायर इसमें डालेंगे इस पॉइंट में, उसके बाद पिन को चेक करेंगे लगाकर, इसमें लाइन बता रही है क्या, दूसरे पिन में लगा के देखेंगे, नहीं बता रही है दोस्तों। अब दूसरे वाले छेद में वायर डाल के फिर पिन को चेक करेंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें लाइट दिखा रही है दोस्तों, फिर दूसरे आने में डालकर चेक करेंगे फिर से। ये देखिए दोस्तों ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी ये एक लाइट एक वायर चालू है दोस्तों इसकी। ये देखिए, और दूसरी लाइन में सप्लाई नहीं दिखा रही है, देखिए दोस्तों। तो इसे अब हमें इसे बोर्ड को खोलना पड़ेगा दोस्तों। इस बोर्ड को खोलने के लिए दोस्तों ये पीछे से इसके चार स्क्रू खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ये कवर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसे खोल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने स्क्रू चार खोल लिए हैं, अब इसे ढक्कन को निकाल लेंगे ऐसे करके। ये अंदर से दोस्तों ऐसे दिखता है, देखिए दोस्तों ये वायर इसके अंदर रोल होती है, और इसे हम खींच के बाहर भी निकालते हैं, और फिर से इसे काम होने के बाद रोल कर देते हैं। लेकिन जब भी आप यूज़ करो इस वायर को, कभी भी अंदर रोल करके यूज़ मत करो, पूरी वायर बाहर निकाल कर फिर बाद में इसे यूज़ करो, नहीं तो ये वायर ख़राब हो जाती है दोस्तों हीट होने से। इसमें भी अब देखिए दोस्तों ये वायरिंग हो रखी है, इसे हम चेक करेंगे दोस्तों सीरीज की मदद से। देखिए दोस्तों एक वायर मैंने उसमें लगा दी है, और एक वायर पिन में चेक कर रहा हूँ दोस्तों, ये ओके है, लेकिन दूसरे वाले में नहीं दिखा रहा है, तो इसके स्विच में लगा कर चेक करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्विच में दिखा रहा है,
ये इसका स्विच भी चेक कर लेते हैं। स्विच ऑन होने के बाद भी नहीं दिखा रहा है दोस्तों, यानी इस स्विच में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे मैंने चेक किया, इसके स्विच में प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका स्विच खराब था ये दोस्तों, इसके लिए ये ऑन नहीं हो रहा था। इसे मैंने दोस्तों अब डायरेक्ट कर दिया है, अब ये चालू हो जाएगा, लेकिन ये स्विच से ऑपरेट नहीं होगा इस बटन से। ये जब हम ये किसी प्लग में सॉकेट में ये पिन लगाएंगे तब जाके ये ऐसे ऑपरेट होगा दोस्तों, इसी से ऑपरेट होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे करके ये ऑपरेट होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसका जो स्विच है वो ख़राब हो गया था, इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये सिर्फ यहाँ से जब आप प्लग में लगाओगे कहीं पे भी, तो इसी से ऑपरेट होगा, ऑन ऑफ होगा दोस्तों। अब इसे हम इसके ऊपर का कवर लगाकर दोस्तों पैक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये बोर्ड मैंने एक्सटेंशन बोर्ड पूरा पैक कर दिया है, अब इसे चेक करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये अब ऑन ऑफ हो रहा है। ओके दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने घर पर अपना एक्सटेंशन बोर्ड रिपेयर कर सकते हो या आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, मेरी वीडियो को, और शेयर जरूर करना दोस्तों। ओके।